वेल जेंटलमैन, तो आज हम क्वेश्चन का आंसर देंगे. तो क्वेश्चन ये कि एक ना कमेंट किया था किसी ने, मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट. ओके, तो क्वेश्चन ये था कि जो मैरिड वुमेन है, ठीक है, मैरिड वुमेन कोई भी शादीशुदा औरत है, तो उससे अफेयर करना सही है या गलत. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको पता होगा 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया. तो यानी कि अब लीगल है अफेयर करना. पहले क्या होता था कि भाई जो अफेयर करता था ना उसको पनिशमेंट मिलती थी ऑन द कंप्लेन बाई हस्बैंड, अगर हस्बैंड कंप्लेन करे तो उसके खिलाफ तब, ठीक है, वाइफ का कोई सीन नहीं है इसमें. तो अब वो अलाउड कर दिया है, ठीक है. तो इसी रिगार्डिंग बोलते हैं कि भाई कि क्या है, यानी यार क्या ये अफेयर करना ठीक है गलत है, ठीक है. तो देखो, एज ए नॉर्मल आदमी बोलूँ, यानी कि नॉर्मल एज ए नॉर्मल, तो देखो मॉरल, मतलब दो बातें हैं, एक तो मॉरल, ठीक है, मॉरल देखा जाए तो यार गलत है, ठीक है, मॉरल किसी की भाई किसी और की वाइफ है, ठीक है, मतलब अगर वो खुद करती है वो अलग बात है, लेकिन तुम ट्राई कर रहे हो या वो, ये वो गलत है, ठीक है. अब दूसरा आता है लीगल, यानी कि मेरे अंदर का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मतलब हमारे अंदर का सुप्रीम कोर्ट एक राजनीति, ठीक है, कि भाई अफेयर करो ठीक है, लेकिन ना अब ये थोड़ी है कि तुम अफेयर कर रहे हो तो तुम खुद मतलब अपना नुकसान करो, ठीक है. तो उसकी राजनीति क्या है, उसका गोल्डन रूल क्या है. देखो अफेयर करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना नुकसान नहीं होना चाहिए. अब आप कहोगे ऐसा कैसा नुकसान, तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, अपने अंदर का सुप्रीम कोर्ट निकालता हूँ, ठीक है. तो क्या होता है, नुकसान क्या है, देखो आपने कभी खबर पढ़ी है, आपने खबर पढ़ी होगी, क्या होता है कि एक प्रेमी ने अपने, मतलब एक वाइफ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हस्बैंड की कर दी हत्या, ठीक है. तो वो पता है क्या होता है, वो हत्या नहीं होती, वो एक इवेंट होती है एक तरह से. वो क्या होता है कि सपोज लवर, यानी उसका जो वो है आशिक है, और वाइफ किसी मतलब अश्लीलता उसमें पकड़े जाते हैं, ठीक है, और हस्बैंड उनको देख लेता है. तो तब हस्बैंड, सॉरी, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है और वाइफ मतलब मिलके उसकी हत्या कर देते हैं ताकि उनकी बदनामी ना हो. तो कहने का मतलब ये है कि अफेयर इतना रहे कि उसके कंसिक्वेंस कोई क्राइम ना हो जाए, ठीक है. क्राइम जैसे कि मान लो इतना नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसा मतलब अफेयर इतना रखो कि भाई कोई क्राइम ना हो जाए, जैसे कि हस्बैंड की डेथ ना कर दो, ठीक है, या फिर वाइफ के चक्कर में, या फिर उसके चक्कर में उसकी कोई फैमिली मेम्बर को पीट पाट दो, ठीक है, धमकी वमकी दे दो, वो ना होना चाहिए. और ये तो हो गया नॉर्मल बात. एक होता है कि भाई अगर कल को मान लो वो आपसे प्रेग्नेंट हो जाती है और उससे बच्चा होता है, तो देखो जो इलेजिमेट बच्चा होता है ना, इलेजिटिमेट बच्चा, यानी कि नाजायज बच्चा, तो वो आपकी प्रॉपर्टी में राइट ले सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते, ठीक है. वॉलेंट्री भी आपको मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो नाजायज बच्चा है, आपको अधिकार देना पड़ेगा, ठीक है. तो इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आपका कोई अफेयर है, ओके, तो बच्चा बच्चा ना करें या फिर ऐसे करने की कोशिश ना करें, ठीक है. तो अपना प्रोटेक्शन रखिए, समझ रहे हो. और दूसरा, कोई क्राइम कमिट नहीं होना चाहिए, ठीक है. ये मतलब ये एक वकील की बात है, यानी कि इंटेलेक्चुअल जो मतलब जिसको यानी कि सिचुएशन को समझ के जो वो ये चीज़ है, ठीक है. अब आप समझदार हैं तो आपको कैसे अफेयर करना है, ठीक है, सही क्या है गलत क्या है. मॉरली तो गलत है, और गलत अगर हम अंदर का सुप्रीम कोर्ट जगाएं तो हमने आपको बातें बताई दी हैं, ठीक है. सो आई होप इट इज़ क्लियर. चिल.